जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों बात समझ आई है कि नहीं आई? कहने का मतलब ये है, एक ऐसी इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल पर मुश्तमिल हो या डेरिवेटिव पर मुश्तमिल हो, और किस लिहाज से, जिसके अंदर वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल तो मस्ट होंगे, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वन आर मोर हो सकते हैं। बात समझ आ गई? विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू द वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक हमारी बात हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि डिफरेंशियल इक्वेशन असल में क्या होती है। बात समझ आ गई? ऐसी इक्वेशन होती है जिसके जो डेरिवेटिव पर मुश्तमिल हो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहां तक बात क्लियर होती है? तो आगे चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम तीन तरह की कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। बात समझ आ गई? वो किस बेस पे? वो कहता है फर्स्ट जो होता है वो टाइप के लिहाज से, फर्स्ट जो होता है टाइप के लिहाज से, और टाइप्स कौन कौन सी है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो होता है ऑर्डर के लिहाज से, थर्ड जो होता है लीनियर और नॉन लीनियर। जो आप लोगों ने अभी पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एक मैप ड्रॉ करके मैंने तमाम का दिखाया आप लोगों को, तो वैसे ही टाइप, ऑर्डर एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर के बेस पर हम ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसको थ्री जो कैटेगरी कैटेगराइज होती है इनके अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप्स, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है। अब टाइप्स के लिहाज से मैंने कहा था कि दो हमारे पास टाइप्स होती हैं। बात समझ आ गई? डिफरेंशियल इक्वेशन की टू टाइप्स होती हैं जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है ओडीई, जिसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और सेकंड जो हमारे पास वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको पीडीई बोलते हैं। फर्स्ट क्या है? ओडीई, और सेकंड क्या थी? पीडीई। तो ओडी क्या है जी? ओडी की तरफ चलते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इसके एग्जांपल की तरफ। तो चलते हैं डेफिनेशन की जाने। इफ एन इक्वेशन कंटेन्स ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अ सिंगल, बात समझ आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू द अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आ गई? बात दोबारा मैं इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो कब होगी? अगर उसके अंदर जो डेरिवेटिव जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वन और मोर हो सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो जस्ट ओनली क्या होगा? वन होगा। बात क्लियर होगी? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या होगा? वन होगा। तो वो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और इसकी मैंने एग्जांपल्स भी साथ लिखी है। वो क्या है? dy और dx plus 2xy is equal to e raised to the power of x, same dy और dx is equal to minus 2 of y is equal to 1। ये जो मैंने फोर एग्जांपल्स लिखी है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ आ गई? अभी आप लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के हवाले से, तो मैं वो भी आप लोग दोस्तों को बताता चलता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। मैं सिंपल एक मैं इक्वेशन लिखता हूं, लाइक वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ओके। ये एक इक्वेशन है, मीन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 2। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है। मैं आप लोगों को बताने ये जा रहा हूं कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है। तो यहां पे देखें, अब y जो है इसको हम पुट करें ना करें, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। अगर हम x के अंदर कोई चेंजिंग लाते हैं, सपोज x की अगर हम कोई वैल्यू देते हैं, तो क्या आएगा जी? x को मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 2, सिंपल मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। x अगर मैं 2 लिखता हूं तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2
माइनस ऑफ टू, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 to the 8, 4 to that माइनस ऑफ 2 रिजल्ट आ जाएगा। तो y की वैल्यू आप लोग यहां से क्या देख रहे हैं, माइनस 2। अब यहां से क्या पता चलता है कि अगर हम x को कोई भी वैल्यू देते जाते हैं, y उसके साथ चेंज होते जाता, बात समझ आ गई। अगर x की वैल्यू हम कोई भी देते जाएं, y ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है, ऐसे है कि नहीं है, बात समझ आ गया। इससे यह साबित होता है कि ये जो x है ये आजाद है, x जो है इंडिपेंडेंट है, और y जो है वो डिपेंड कर रहा है, और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि x जो है भाई वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बात क्लियर होगी। उसके बाद अभी हम पहुंचे थे ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अब ऑर्डर के साथ मैंने डिफाइन किया था टाइप्स के अंदर, 2 टाइप्स थी, और सेकंड क्या थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बात याद आए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जान बढ़ते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द पार्शियल डेरिवेटिव, वहां पे ऑर्डर थी तो ऑर्डर डेरिवेटिव थी, और यहां पे क्या है, पार्शियल है तो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, बात समझ आ रही है, ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द वन आर विद रिस्पेक्ट टू द टू आर मोर, बात याद रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू द टू आर मोर इनडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बात समझ आई है कि नहीं आई, डिफरेंस क्या दोनों में, ओडी और ओडी एंड पीडी के अंदर डिफरेंस क्या आया, मैं आपको यहां पे शॉर्टली बताता चलता हूं। वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और ओडी के अंदर, वो ये था सिंगल, ऐसे था ना। अब यहां पे जो पीडी के अंदर बात चली जाती है, तो पार्शियल के अंदर क्या हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं, टू हो जाते हैं, मिनिमम टू होंगे या उससे ज्यादा होंगे, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं पीडी के अंदर, मिनिमम टू या उससे ज्यादा होंगे, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, बात समझ आ गई, यहां तक बात क्लियर है। अब इसकी मैंने एग्जांपल्स भी लिख दी है भाई, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, ये इसके अंदर देखें, और ऊपर वाला क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऊपर वाला जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और नीचे वाला वाई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेम यहां पे भी ऐसे पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, ये एग्जांपल्स है हमारे पास पीडीई यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स के लिहाज से ओडी को और पीडी को, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इनके ऑर्डर को डिस्कस कर, ऑर्डर के लिहाज से इनको कैसे हमने क्लासिफाइड किया है, और लीनियर और नॉन लीनियर होने के लिहाज से हम लोग ने इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से क्लासिफाई किया है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।